दोस्तों, आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो आपको एक शब्द के बारे में समझना चाहिए जिसे कहा जाता है लीड मैग्नेट। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम लीड को अट्रैक्ट करने काम करते हैं एक मैग्नेट की तरह, मतलब लीड हमारे पास आ जाए अपने आप। तो करते कैसे लोग ये डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने वेबसाइट पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डाली। अब जब कोई विजिटर उस वेबसाइट पर आया, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आपने वहाँ पर उस विजिटर से ईमेल आईडी मांगी। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ईमेल आईडी देगा वो या फिर नहीं देगा। आपने ईमेल आईडी मांगते हुए ये कमिट किया उसे कि हम आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी मेल पर भेजते रहेंगे। आपका पर्पज़ ये है कि इसकी ईमेल आईडी हमें मिल जाए और बाद में हम इसको सेलिंग की इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, कुछ सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर चांस ये भी बनता है कि आपको ईमेल आईडी ना दे, क्योंकि उसे लगता है कि उसे आना होगा तो वेबसाइट पर आएगा, फिर ब्लॉग्स पढ़ेगा, उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्यों मेल पर चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका लोग ये करते हैं, उन्हें लीड मैग्नेट बनाना होता है। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन की एक ई बुक भी बना ली छोटी सी, फिर आपकी वेबसाइट पर एक यूज़र आया, उसने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी आपके बारे में, और यहाँ पर आपने एक ईमेल का बॉक्स लगा दिया और ये भी लिख दिया कि अगर आप ईमेल आईडी डालते हैं तो हम आपको एक ये फ्री में ई बुक देंगे। अब सामने वाले के मन में लालच आया, उसने अपनी ईमेल आईडी डाल दी और उसको एक फ्री ई बुक मेल हो गई। आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपको उसकी ईमेल आईडी मिल गई, आप भविष्य में उसे कुछ सेल करने की भी कोशिश कर सकते हैं। बस यही काम है लीड मैग्नेट का। आपने इस ई बुक को एज अ लीड मैग्नेट यूज़ किया, एक लीड मैग्नेट की तरह यूज़ करके उसकी ईमेल आईडी ले ली। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस के लिए इस लीड मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं तो करिए, इससे आपको सेल मिल सकती है, अच्छी लीड मिल सकती है।